सुबह करी डिवॉर्मिंग, इसे कितने एमएल ली? इसे है भी पूरी 10 एमएल। खड़ा खड़ा करी। अच्छा दवा पिलाने के बाद 10 हो गए घंटे बाद मिल जान पिलाई। और इसे या भी नहीं इसे नदी। और ये इसे खड़ा करी। इसे दी ये 15 जो हो। इसे कितने एमएल दी? इसे पूरी भर के दी 10 एमएल। हाँ दस लाल वाले को लाल वाले ज्यादा रहती दूसरी किलो की दवा जो होती है ना उसे तरीके से दी तो ज्यादा फिर तो ना सा बड़ा वाले को इसके 10 लग गए। साथियों इस वीडियो में आपने जो सुना है वो एक रियलिटी घटना है और जो इनके 3 से 4 बकरे और बकरियां हैं और एक काल्फ था भैंस का और इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पेट के कीड़ों की दवा दे दी जाए। ये पेट के कीड़ों की दवा जो इन्होंने फर्स्ट टाइम चूज़ करी है वो करी है नीलजान, जो आपको पता होगा जिसमें लिवामिसोल ऑक्सीक्लोजन लिवामिसोल हाइड्रोक्लोराइड होता है। और ये आपको पता भी होगा कि पेट के कीड़ों का बहुत ही अच्छा डिवॉर्मर है, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप पेट के कीड़ों की दवा दे रहे हैं तो नीलजान से आप ना करें। इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं क्योंकि आपको एक तो डोज रेट नहीं पता, दूसरा कितनी देनी चाहिए और कितनी एज के बच्चों को आपने देनी चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने पेट के कीड़ों की दवा एक ही लाइन से जितने भी 3 से 4 बकरे थे और एक काल्फ था कंटिन्यूसली एक साथ दे दी और जिसकी वजह से एक काल्फ के बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगे हुए हैं और 3 दिन से लूज मोशन कर रहा है वो, वहाँ पर हमने उसको ट्रीट किया है। और साथ ही साथ जो मैमने हैं इनको भी 10-10 ml दवा दे दी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डोज रेट का, चाहे वो पेट के कीड़ों का कोई सा भी डिवॉर्मर हो तो 3 किलो बॉडी वेट के हिसाब से 1 ml, 1 किलो वजन है तो 1 ml दवा लगेगी उस जानवर को। मान लीजिए उसमें 10 kg वजन है बच्चे में तो समथिंग आप 3 ml तो बैठती है अप्रॉक्सीमेटली 3.75 ml, लेकिन आप 4 ml तक अप्रॉक्सीमेटली आप दे सकते हैं क्योंकि जानवर के जो जितने भी लीवर पे या अंदर इंटेस्टाइन में कीड़े हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। 4 से 5 एक या 1.5 ml या 2 ml तक आप फालतू भी दे सकते हैं तो कोई हार्मफुल वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 5 ml अगर आप ज़्यादा देंगे तो वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जानवर को खाली होगा तो कुछ नहीं लेकिन वो डायरिया करेगा, कभी कभी इतने ज़्यादा डायरिया हो जाता है, इतने ज़्यादा दस्त हो जाते हैं कि लूज मोशन करने लगता है जानवर और लूज मोशन की वजह से उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और साथ ही साथ जानवर वीकनेस हो जाती है। और दूसरा जो मेनली कारण होता है ज़्यादा मात्रा में पेट के कीड़ों की दवा देने से जानवर की लीवर पर भी क्षति हो जाती है। तो डिवॉर्मिंग कर रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लें, उसके बाद ही आपने डिवॉर्मिंग करनी है, चाहे कोई भी एनिमल हो चाहे छोटा बड़ा बच्चा हो। छोटे बच्चे की जो डिवॉर्मिंग करनी है उसका वीडियो मैंने बना रखा है, वहाँ से आप विजिट देख सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे की अगर उसकी पैदाइश होगी है 21 दिन का हो गया है तो वहाँ पर उसकी फर्स्ट डिवॉर्मिंग करें, उसके बाद 1 महीने के बाद डिवॉर्मिंग करें, फिर आपने उसको 1.5 या 2 महीने के बाद प्रॉपर तरीके से डिवॉर्मिंग करनी है। तो और जितना भी बड़े बकरे या बकरियां भैंस हैं उनको 2.5 से 3 महीने में आपने पेट के कीड़ों की दवा निरंतर आपने चेंज करती रहनी है, चेंज करते करते ही आपने पेट के कीड़ों की दवा देनी है। पहली दवा जो डिवॉर्मिंग करनी है वो अल्बोमार से करनी है। अल्बोमार मैं ये नहीं कहता आप अल्बोमार सजेस्ट करें, लेकिन उसमें अल्बोमार अल्बेंडाजोल साल्ट होना चाहिए, अल्बेंडाजोल प्लस आइवरमेक्टिन होना चाहिए या कोई अल्बेंडाजोल का सिंपल आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसके बाद आप चेंज अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो उसके बाद आप चेंज निरंतर करते रहिए। तो ये है प्रैक्टिकली वीडियो और यहाँ पर मैंने जो इनके दिक्कत हो रही है, जो ये चारा खाना दाना छोड़ दिया है इन्होंने, जो डायरिया कर रहे हैं उसका मैंने बेसिकली ट्रीटमेंट बता दिया है और जनरली ठीक हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये गलती आप ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।